गाइस आप सबका स्वागत है आपके फेवरेट रिएक्शन चैनल में। और आज हम लेके आए क्रैक मूवी के ट्रेलर का रिएक्शन। उसका बहुत ज्यादा वेट था और लोग हमें जो है इसके टीजर का भी रिएक्शन बहुत ज्यादा कह रहे थे, लेकिन मेनली चीज ये थी कि टीजर को आए बहुत काफी ज्यादा टाइम हो चुका था, तो हमें था कि ट्रेलर जब आएगा तो उसका रिएक्शन करेंगे। और अब आ गया है ट्रेलर और वो भी मस्त नए साल की शुरुआत पे। हैप्पी न्यू ईयर आप सबको। लाइक 1 जनवरी को ये ट्रेलर निकाला है और क्या शुरुआत की है यहाँ पे। काफी साल भी इतना मजेदार ही रहे और मतलब ये साल क्रैक नहीं हो बस। हाँ, इस पिछला वाला तो 2020 तो क्रैक था, ये वाला क्रैक ना हो और ये वाला मस्त हो। और मास महाराजा रवि तेजा की मूवी है तो कमाल की होगी। यस, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सबको हैप्पी न्यू ईयर। एंड ये मूवी के राइटर एंड डायरेक्टर दोनों है गोपीचंद मलिनेनी जी। एंड मैंने पढ़ा कि ये मूवी है ना आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना के ना ट्रू इंसिडेंट्स पे बेस्ड है काफी सारे। एंड ये मूवी भी रिलीज पहले होने वाली थी ऑफकोर्स 2020 में, बट अब जैसे कोविड की वजह से सभी कुछ डिले होता चला गया, इसलिए ये मूवी की रिलीज भी डिले हो गई। तो अब ये मूवी लिखा तो यही था कि थिएट्रिकली रिलीज होगी 14 जनवरी को। अब देखते हैं आगे क्या होता है, देख लेते हैं कि ये ट्रेलर कैसा है। वही तो कमाल का हो जाते। फिर आप भी देखो, हम देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। सबटाइटल्स జేబులో ఉండాల్సిన నోటు, చెట్టుకుండాల్సిన కాయ, గోడకుండాల్సిన మేకు, ఈ మూడు ముగ్గురు తోపుల్ని తొక్కి తాటి తీశాయి. ఇక్కడ కామన్ పాయింట్ ఏంటంటే ఈ ముగ్గురితో ఆడుకుంది ఒకే పోలీసు. శంకర్ పోతరాజు వేర శంకర్ బ్యాక్గ్రౌండ్ అని పూత పూసావో, బ్యాలెన్స్ తప్పుతాడు, జాగ్రత్త. Your shot, no doubt. Puchche peli poddi. Shooty hai sir. Unka itna dikhaya nahi. DJ gaadro re idi voje. Ongolu zatra. Alag style hai na. मीन यही होगा, उनकी लव लाइफ प्ले करेंगी और फिर इनकी वजह से इनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आएंगी। नड़ी रोड में दा नग्नंगा निलबेट्टी नवरंध्रालो सेसों पोस्तान्ना कोड़का। ये ज़ॉम्बीज देखा? ये रक्तन था उधर। ये बहुत जबरदस्त लगा। ओह ओह, क्या था वो? काशे बागी तेरा मूड ऐला उन्तंदो। ఏది కట్ చేస్తానో నాకు కూడా తెలీదు. వా, జసే నామే నా మాస్ మహారాజా ఈ మూవీ వేసి హే. క్రాక్ చిన్న బ్రేక్ ఇచ్చా, ఈ గ్యాప్ లో ఎన్ని యాడ్ తీసుకుంటావో వేసేసుకో. ఓహో, కెసి చేంజ్ అవుతుంది. కమింగ్ సూన్. ये ट्रेलर देख के एक मास क्राइम थ्रिलर मूवी लग रही है। और ये ट्रेलर का देखा जाए, जैसे इसके 2 मिनट का ट्रेलर है, उसमें से 1.5 मिनट तो इसमें सिर्फ रवि तेजा सर के जो मास सीन्स होंगे उसके ऊपर ही फोकस किया गया था। लाइक स्टोरी नहीं बताई गई। नॉर्मली होता है ट्रेलर में कुछ ना कुछ स्टोरी का हिंट दिया जाता है, इसमें स्टोरी का कुछ हिंट नहीं दिया गया, बस 1-2 फोटो से पता लग रहा था। जैसे एक पुलिस वाला था, वो जो हमने बोला क्या हो रहा है, तो वो कीचड़ के बीच में ऐसे मरा हुआ था, तो बहुत ही अजीब सा सीन था भाई। उसको कुछ किया गया था और उसी के रिलेटेड मेरे ख्याल से ये पूरा ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि जैसे वो 1-2 चीज देख रहे थे, एक हाथ में कोई बॉटल देख रहे थे, तो बहुत सारी चीजें वो ढूंढ रहे थे। मेरे ख्याल से वही क्राइम थ्रिलर होगी और वो लास्ट में ढूंढ निकालेंगे क्या किया, किसने किया। और मेनली यही था कि उनके फाइट सीन बहुत कमाल करने वाले, 3-4 ऐसे फाइट सीन दिखे, जैसे वो मेले वाला फाइट सीन था और ऐसे 2-3 फाइट सीन थे जो देख के लग रहा था कि भाई ये बहुत हाईलाइट होने वाला है इस मूवी के। ऑफ कोर्स काफी सस्पेंसिव भरा ट्रेलर था, मतलब अल्टीमेटली एक आइडिया नहीं आया कि क्या हो सकता है इस मूवी में, बट कुछ कुछ ऐसा लगा कि ओके कुछ ना कुछ ये ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि है ना बीच में एक बॉटल के अंदर एक बाल दिखाया गया था। एंड फिर ये भी पता लग रहा था कि जो श्रुति हसन है उनकी लाइक वाइफ थी शायद, वही लग रहा था, तो उनके रिलेटेड आगे कुछ तो होगा बिकॉज उनकी लव लाइफ भी ट्रेलर में अच्छे से दिखाई गई थी। एंड बहुत ही सस्पेंसिव वाला ट्रेलर था, जैसे कि आपने कहा कि बीच में ज़ॉम्बीज लग रहे थे क्योंकि वो चल भी इस तरीके से नीचे क्रॉल करके चल रहे थे ना, एंड काफी लोग ऐसे दिखाए कि वो डर रहे हैं किसी चीज से, तो एक आइडिया नहीं आया कि हो क्या रहा है ट्रेलर में। बट ऑफ कोर्स जैसे कि आपने कहा कि रवि तेजा सर की एंट्री जो जितनी भी बार दिखाई, एक तो वो जीप में आ रहे हैं बीच के किनारे पे चल रहे हैं ना, एंड जब स्टार्टिंग में फर्स्ट टाइम दिखाए तो वो जीप से ऐसे
पैर रख रहे बाहर, तो वो सीन्स काफी अच्छे लगे, बट ट्रेलर सस्पेंस भरा था बट मजा आई देखने में। एंड ट्रेलर का एंड किया गया, वो कैसे किया गया कि एक वो सही चीज दिखानी चाहिए, कैसे वो नॉर्मल आदमी थे ट्रांजिशन होकर पुलिस वाले बन गए, तो मेरे ख्याल से वही दिखाना चाह रहे होंगे कि उन दोनों के बीच में बैलेंस कर रहे हैं कहीं ना कहीं अपनी वो वाइफ के साथ भी और साथ में पुलिस के काम के साथ भी, और शायद ये भी हो सकता है कि वो सिविल ड्रेस में भी बहुत सारे ऐसे काम कर रहे हो जहाँ पे वो वेरीफाई कर रहे हो, चेकिंग करने की कोशिश कर रहे हो। तो बहुत कमाल की मूवी होगी और बहुत मास मूवी होने वाली है, और रवि तेजा सर है तो जबरदस्त होगी, साथ में मेरे ख्याल से थोड़ी कॉमेडी भी हो तो बिल्कुल फिर आपको रवि तेजा मसाला पूरा मिल ही जाएगा इस मूवी के अंदर। बाकी आप लोग कैसा लगा, और इसके कुछ सीन्स में कुछ डायलॉग ऐसे हो जो कमाल के हो और उसका ट्रांसलेशन भी बताना, क्योंकि सब टाइटल्स अवेलेबल नहीं थे तो वो प्रॉब्लम थी। तो बाकी आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएगा, ऐसे लाइक करते जाइए, कमेंट करते जाइए, शेयर करते जाइए, सब्सक्राइब करते जाइए।